अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आशिक राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल आशिक में। और ये सेशन है SQL ट्यूटोरियल से रिलेटेड। ठीक है, तो पिछले सेशन में हम आपको बताए हैं कि सेव पॉइंट, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट के बारे में हमने बताया। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि SQL DQL और DRL स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो मेनली DQL का फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है SQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज, या इसको DRL भी कहते हैं, डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं। ठीक है, यह है सेलेक्ट स्टेटमेंट। इसमें सिर्फ एक ही वर्ड आते हैं, एक ही कीवर्ड आते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सेलेक्ट सेलेक्ट एक कीवर्ड है जो कि DRL लैंग्वेज के अंदर आता है। ठीक है, SQL DQL DRL स्टेटमेंट क्या होते हैं? SQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज या डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज। सेलेक्ट सिर्फ इसके अंदर, ये सेलेक्ट वर्ड है जो कि SQL DRL और DQL के अंदर आता है। ये सेलेक्ट जो है इसको यूज़ करते हैं, इज यूज टू फिच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ये यूज होता है सिर्फ डेटा से, डेटाबेस से डेटा फिच करने के लिए ये यूज किया जाता है। मतलब रिट्राइवल, कहीं से भी ये डेटा उठा के आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए है और कुछ करने के लिए नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ विजुअलाइजेशन है। ये है किसी भी टेबल, कहीं से भी ये डेटा फेच करके ला के देगा आपको, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट्स इसलिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि टेबल एक क्लास है, क्लास टेबल है। ठीक है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि इस स्कीमा में कौन कौन से टेबल हैं। तो उसके लिए होता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सॉरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर ऑल फ्रॉम टैब। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब। इस ये देखना है कि इस स्कीमा में कितने टेबल हैं। इसके लिए ये है, हमको 9 टेबल यहाँ पे क्रिएटेड है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब इस टेबल के अंदर कोई एक टेबल पकड़ लेते हैं, ईएमपी टेबल पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, ये एक टेबल हमने यहाँ पे पकड़ लिया, ये एक ईएमपी टेबल हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं। इसका डेटा हम करके दिखाएंगे, सेलेक्ट स्ट्रिक सेलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करके हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये मान लिया कि हमको ये पूरा डेटा, पूरा टेबल का डेटा चाहिए था, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट स्ट्रिक कर दिए। ठीक है, अगर हमको EMP नंबर या EMP नेम, जॉब, किसी एक पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर कॉलम को हमको सेलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे उसके लिए, सेलेक्ट, ठीक है, EMP नंबर, ई नेम, जॉब, सेल। ठीक है, ये सब हम सेलेक्ट कर लिए, ये तीन चार कॉलम जो है सेलेक्ट कर लिए। आपको हर कॉलम के बाद एक कॉमा देना होता है सेपरेट करने के लिए। ठीक है, अलग अलग कॉलम को सेपरेट करने के लिए आपको हर कॉमा देना होता है, हर कॉलम के बाद में एक कॉमा देना होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम कौन सा है, ईएमपी टेबल नेम से हमको सेलेक्ट करना है। ये चार, ईएमपी नंबर, नेम, जॉब और सैलरी, ये हमको चाहिए टेबल से। तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से निकालेंगे, यहाँ देख सकते हैं, जो जो आप कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो उस कॉलम यहाँ पे उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। मान लिया कि आपको किसी एक बंदे का चाहिए डेटा। ठीक है, ईएमपी नंबर 7369 जिसका हो उसका आना चाहिए, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नंबर इज इक्वल टू 7369 सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम, स्टिक मतलब कि उसका सारा डेटा चाहिए जिसका एम्प्लॉय नंबर 7369 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम
रन कराते हैं तो 7369 का जितना भी डाटा है वो सब यहाँ पे आपको आ गया। इस तरह से जो है आप सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप मान लिया कि अभी का डेट देखना चाहते हैं डेट, तो आप सेलेक्ट सिस डेट, ये इनबिल्ड है। ठीक है, सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल, एक टेबल है डमी टेबल जो कोई भी यूजर यूज कर सकता है। सिस डेट फ्रॉम डुअल, तो यहाँ पे आपको डेट फॉर्मेट का ये इस तरह से आएगा। ठीक है, आपको 30 दिसंबर, जैसे कि 30 दिसंबर 18 यहाँ पे दिखा रहा है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे डेट आएगा। इस तरह से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक था छोटा सा सेलेक्ट स्टेटमेंट डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिससे हम डेटा बहुत सारे डेटा फेच करते हैं। सिर्फ फेच करके आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख चुके हैं और मैं यहाँ पे रन करा रहा हूँ। इस तरह से आप कहीं भी कितनों से बड़े टेबल से आप डेटा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस बस ये है सेलेक्ट कॉलम नेम, और हर कॉलम नेम के बाद एक कॉमा सेपरेट देना होता है, और फ्रॉम कीवर्ड है, ये फ्रॉम किस लिए है, कहाँ से लेना चाहते हैं, किस टेबल से, तो फ्रॉम के बाद आपको टेबल नेम आना ज़रूरी होता है। फ्रॉम के बाद हमेशा एक टेबल नेम आएगा। ठीक है, एक सिंगल एसक्यूएल क्वेरी के अंदर फ्रॉम के बाद हमेशा ये टेबल नेम आएगा, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये एक था छोटा सा एग्जांपल सेलेक्ट स्टेटमेंट का और DQL और DRL स्टेटमेंट का। ठीक है, तो अब आज इसके अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, लाइक करें, आप अपना कमेंट करें। और आप अगर इसको जो है थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हैं, SQL ट्यूटोरियल को थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे मेरा एक ब्लॉग है, वहाँ पे आप जाके विजिट करें। ठीक है, आप वहाँ पे अच्छे से आप पढ़ें और ये वीडियो देखें, तो आपको ज़रूर आप कामयाब होंगे SQL सीखने में। ठीक है, बहुत ही आसान है SQL सीखना, कोई भारी बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो आप आसानी से SQL सीख सकते हैं अगर मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेक्निकल आशिक मेरे चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है, और बगल में सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिएगा कि जब भी हम नया वीडियो डालें, नया अपकमिंग सीरीज़ जो डालें, अपकमिंग वीडियो रिलेटेड SQL, तो आपको नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो देखें और सीखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।